हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल तिहाल केमिस्ट्री क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज भी आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो जेई मेन हो या फिर आपका क्या हो, नीट का एग्ज़ाम हो, उसमें कई बार इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से आएगा कि आपको एक कंपाउंड दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस कंपाउंड में कितना फॉर्मल चार्ज है। सबसे पहले फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने के लिए आपको एक फॉर्मूला गिवन है, आपको वो फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 इंटू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे बोला गया आपको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमने जिस एलिमेंट का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है हमें उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पता होना चाहिए और उसके ऊपर कितनी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और उसमें कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं इन केस ऑफ कार्बोनेट। कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3-2-। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि कार्बोनेट में कार्बन पे फॉर्मल चार्ज कितना है, हाउ मच फॉर्मल चार्ज ऑन द कार्बन एटम। तो आपको ऑप्शन जैसे मिल गया 1, 2, 3 या फिर 0, तो आपने इनमें से एक आंसर निकालना है। तो फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम इसका लेविस स्ट्रक्चर बनाते हैं कार्बोनेट का, और लेविस स्ट्रक्चर की वीडियो हमने पिछली वीडियो में हमने यही बताया था कि हम लेविस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। उसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था ANSU वाला, बिल्कुल ईजी ट्रिक थी और उस ट्रिक में हम आसानी से कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो कार्बोनेट का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, कार्बन इसमें बीच में होता है, किसी एक ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड और बाकी दो ऑक्सीजन के पास सिंगल बॉन्ड। तो बात करेंगे हम, अगर ऑक्सीजन के पास, हमें पता है अगर ऑक्सीजन के पास सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ पे 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस ऑक्सीजन के पास भी कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 3, और इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाली के पास 2, सिंगल बॉन्ड वाली के पास 3 और ट्रिपल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन के पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमने फॉर्मल चार्ज निकालना है ऑन कार्बन। तो कार्बन पे फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता ही है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इट मींस इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी कितने होंगे, कार्बन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4। तो सबसे पहले हमें इसके लिए क्या चाहिए, जिस एलिमेंट पे हमने फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 4, माइनस उसी एलिमेंट पर या एटम पर हमने देखना है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिनकी जो इलेक्ट्रॉन इनकी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ कार्बन कितने हैं, कार्बन के केस में अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 0, माइनस 1/2 नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए हम यहाँ पे बॉन्ड देखेंगे कितने हैं, 1, 2, 3, 4। हमें पता है एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो यहाँ पे बॉन्ड कितने हैं, 4, तो 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 8। तो 8 जो है वो 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा आपका 4, तो 4-4 इज इक्वल टू 0। तो इट मींस कार्बन पे जो फॉर्मल चार्ज है
वो आपका क्या आएगा, जीरो। तो इसका मतलब जो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, तो उसमें से जिस आंसर में, जिस ऑप्शन में आपका जीरो आंसर होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसी प्रकार हम एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया इन केस ऑफ ओजोन। तो ओजोन हमें पता है कि तीन ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, और ओजोन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। जब हम लेवी स्ट्रक्चर करेंगे, इस स्ट्रक्चर को भी हम विद द हेल्प ऑफ ए एन एस यू वाले फॉर्मूले से बना सकते हैं। तो जब हम देखेंगे कि ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड है तो इस पे कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, दो। इसके पास कितने हैं लोन पेयर ऑफ, इसके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एक, और इसके पास अगर सिंगल बॉन्ड है तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तीन। अब सपोज कर लो कि इस ऑक्सीजन को हमने फर्स्ट बोल दिया, इसको सेकंड बोल दिया और इसको थर्ड, और आपसे पेपर में पूछ लिया गया या एग्ज़ाम में पूछ लिया गया कि सेकंड ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कितना होगा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, लिखोगे, आपके पास फॉर्मूला गिवन है, फॉर्मल चार्ज ऑन सेकंड ऑक्सीजन, सेकंड ऑक्सीजन। तो जब आप सेकंड ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज निकालोगे तो इसके अंदर हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे पहले वाला ही। ऑक्सीजन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, सिक्स, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है आठ। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे टू एंड सिक्स, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा आपका सिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिक्स माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं आपके टू, माइनस वन बाय टू इंटू नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं टू फोर एंड सिक्स, यानी कि यहाँ पे बॉन्ड है तीन और तीन में इलेक्ट्रॉन होंगे आपके सिक्स। तो इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे, टू थ्री जा सिक्स, तो यहाँ पे आपका होगा थ्री और टू माइनस फाइव, सिक्स माइनस फाइव, आपका यहाँ पे आंसर आएगा वन। इट मींस सेकंड ऑक्सीजन के ऊपर आपका जो फॉर्मल चार्ज होगा वो कितना होगा, वन। तो इसी प्रकार हम आपके जो फर्स्ट या एक जो स्पेसिफिक उसने जो भी आपका एक एलिमेंट दे रखा है, फर्स्ट है चाहे वो थर्ड है चाहे वो सेकंड है, तो हम क्या कर सकते हैं, हर एलिमेंट पे या एटम पे ऑक्सीड उसका फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी फॉर्मल चार्ज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।